यू सी दिस डूड, लुक एट दिस. इनको कहते हैं क्लाविकल्स या फिर ब्यूटी बोन्स. वाओ, आई एम सो हैप्पी. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है डे 12 या डे 13, आई थिंक सो डे 12, याद नहीं मुझे. आज है वॉट एवर डे, लेकिन है आज सैटरडे. वैसे यहाँ पे तो वीकेंड है, छुट्टी है, और अभी ऑलरेडी 9:40 हो गए हैं. मैं अब जाके अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ. सुबह उठते साथ ही मैंने नहा वहा के फ्रेश अप हो गई थी. मैं मॉर्निंग ड्रिंक में सेम रेगुलर जीरा एंड क्यूमिन वाटर, सॉरी जीरा और क्यूमिन सेम ही तो है, जीरा और अजवाइन का पानी पी रही हूँ मैं गर्म करके, और उसके साथ 2 सोक्ड आमंड्स ले रही हूँ. आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैं रवा उत्तपम, उसमें ढेर सारे अनियंस डाल के. तो या आई जस्ट हैव दिस ड्रिंक एंड क्विकली गेट स्टार्टेड विद द ब्रेकफास्ट. रवा उत्तपम के लिए मैंने बस 2 कप ऑफ रवा में 1 कप दही को इसमें बस डाल के इसको एक 15-20 मिनट्स के लिए रखा है, तो ये अच्छे से दही को सोक कर लेगा. उसके बाद में इसमें आपको बस अंदाजे से पानी डालना है, जैसे कि ये उत्तपम के बैटर के जितना हो जाए. स्वाद अनुसार नमक, और ये है इनो फ्रूट सॉल्ट, बस थोड़ा सा डालना है. जैसे ही इनो डाल दे, अच्छे से इसको मिक्स करके बस बनाना चालू करना है आपको. ज्यादा टाइम तक इसको कुछ और नहीं करना है. इसमें ना मैंने थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर भी डाला है, क्योंकि रवि को ग्रीन चिली ज्यादा पसंद नहीं आते हैं. इसके लिए अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ग्रीन चिलीज भी काट के डाल सकते हो. और एक ही ड्रॉप ऑयल लगाना है, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है. याद रहे उत्तपम थोड़े मोटे ही होते हैं, बस इनमें ऊपर ऐसे आप कटे हुए प्याज डाल दें. बैटर थोड़ा गीला ही है ना, उसी टाइम पे ऐसे 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 दबा दीजिए ताकि प्याज अच्छे से अंदर तक चले जाए, वरना ऊपर ऊपर से ही चिपक के निकल के आ जाएंगे. एंड देन इसको ढक के 5 मिनट्स के लिए होने देते हैं. ये देखिए 5 मिनट्स के बाद वेरी इजीली ये निकल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बस इसको फ्लिप करके अच्छे से पकाना है. तो ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी. इसके साथ 2 उत्तपम लिया है मैंने, 2 मीडियम साइज के है. अगर बहुत बड़ा ले रहे हो तो एक ही ले लेना. और उसके साथ है ये अनियन टमेटो गार्लिक की चटनी, वेरी बेसिक. अगर आपको ये नहीं खाना तो आप कोई सभी कोकोनट चटनी, या फिर दही का रायता बना सकते हो. और आप इन जनरल लाइक यू कैन ईट इट विद एनीथिंग, डोंट ईट विद केचप. ठीक है, केचप में बहुत शुगर और सोडियम वगैरह होता है, वो मत खाना. कुछ भी घर होममेड खाना. तो ये खाती हूँ मैं, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी यमी यार. उत्तपम मैंने बोला ना, डोसा वगैरह सब मेरे को बहुत पसंद है. दिस रवा उत्तपम इज सच अ गो टू रेसिपी बिकॉज इट इज सो इजी टू मेक. वेरी गुड. कल ना मेरे को आज नॉर्मल रेगुलर डोसा उत्तपम बनाना था, बट मैं राइस और उड़द जो भिगोना होता है ना द प्रीवियस डे, वो करना भूल गई मैं, इसीलिए ये बना दिया. सो इफ यू फॉरगेट समटाइम्स एंड फिर सुबह सुबह आपको खाने का मन है तो आप ये बना के खा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है. मैं ये खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पे. हे गाइस, इट्स नाउ 12:30 और मैं ले रही हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक. मिड मॉर्निंग स्नैक में है चिवड़ा. आई एम जोकिंग. जी नहीं, चिवड़ा मैं रवि के लिए लाई हूँ. रवि भी अपना मिड मॉर्निंग स्नैक ले रहा है एंड ही वांटेड चिवड़ा अलोंग विद ग्रीन टी, और मैं सिर्फ ग्रीन टी पी रही हूँ. ये देखिए कड़वी वाली एकदम. इसके साथ कुछ नहीं ले रही हूँ. एंड द रीजन आई एम ड्रिंकिंग ग्रीन टी राइट नाउ इज बिकॉज आज सैटरडे है और आज मैं शाम को चाय पीने वाली हूँ. आई डोंट नो चाय के लिए कोई इतना एक्साइटेड होता होगा या नहीं जितना मैं होती हूँ. सिंस आई एम गोइंग टू टेक चाय इन द इवनिंग, फिर मुझे ग्रीन टी पीने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए आई थॉट इट्स गुड आइडिया कि मैं अभी ग्रीन टी पी लूँ. और मुझे ज्यादा भूख भी नहीं लगी है, इसलिए मैं कुछ सॉलिड खाने के लिए नहीं ले रही हूँ. लेकिन अगर आपको भूख है तो आप कोई फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप अ मिक्स ऑफ नट्स एंड सीड्स ले सकते हो. बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी का ध्यान रखें. सो आई ड्रिंक दिस एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग लंच टाइम. तो दाल ढोकले बनाने के लिए सबसे पहले पॉट में मैंने सिर्फ टू स्पून ऑफ ऑयल डाला है. थोड़े से हम इसमें डालेंगे जीरा, बिल्कुल थोड़े से मस्टर्ड. इसमें कोई वेजीज ऐसा सच नहीं जाते हैं, सिर्फ अनियंस एंड ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ मैं.
क्योंकि ये तुअर दाल से बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टैमरिंड का पेस्ट बना के रखा है, मतलब टैमरिंड का प्यूरे, टैमरिंड को पानी में सोक करके। यहाँ पे मैंने तुअर दाल बॉईल करके रखा है, जैसे ही अनियंस हो जाए इसमें थोड़ा सा दाल में डाल रही हूँ, एंड देन ये टैमरिंड का पानी भी डालेंगे इसमें। एड अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी, सम कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट, एंड देन काफी सारा पानी डालना है। पानी का क्वांटिटी रियली डिपेंड्स ऑन यू, कितना आपको थिक या थिन चाहिए अपनी जो ग्रेवी बनती है। बस इसको बॉईल आने दीजिए, तब तक आप रोटियां बेल लीजिए। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा है। हाय, रोटी आपको बहुत ज्यादा थिक थिन ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है, जितना आप नॉर्मल रोटी बनाते हो बस उतना कर लीजिए। एक नाइफ की मदद से या फिर अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो उसकी मदद से ऐसे स्ट्राइप्स कर लीजिए। पहले ऐसे स्ट्रेट्स ऐसे कट्स कर लीजिए, फिर ऐसे एक एंगल में इनको काटेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डायमंड्स हो जाएंगे। अब ये देखिए अच्छे से, जब ये अभी रोरिंग बॉयल आ रहा है तो आप अपने बस ये डायमंड्स जो भी आपने काटे हैं इनको बस निकाल के डाल दीजिए, सिंपल एज दैट, एंड देन लेट इट कुक फॉर 10 मिनट्स। ये देखिए इतना मजेदार लगता है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा मैंने घी डाला है, इफ यू कैन सी दैट, एंड या दिस इज वेरी गुड। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड रेसिपी फॉर डिनर, बट मेरे को लंच में ही खाना था और टाइम काफी हो गया, ऑलमोस्ट 3:30 हो गया अभी। हाउ कैन आई नॉट टेक अ बाइट ऑफ दिस एंड गिव यू द टेस्ट टेस्ट? इट्स टू हॉट। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज। अगर आपने अब तक इस चीज को ट्राई नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, इसको आप घर में जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है, काफी फीलिंग होती है। चाहिए तो आप इसमें वेजीज डाल सकते हो, मेरे पास था नहीं और ट्रेडिशनल रेसिपी में जनरली जाते नहीं है। तो या आई विल सी यू ड्यूरिंग इवनिंग का चाय। ये देखो जी हमारी मस्त अदरक वाली चाय विद 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स रेडी है। दिस इज गोइंग टू बी माई इवनिंग स्नैक। Hey guys, अभी एक्चुअली डिनर का टाइम हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock, बट डिनर करने से पहले मुझे लगा मैं क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले तो शीजा सुधाकरन ने बोला है कि शी इज बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स एंड शी वॉन्ट्स टू नो कि कोकोनट कॉफी के बदले बटर कॉफी पी सकते हैं क्या? जी नहीं, आप बटर कॉफी नहीं पी सकते, घी कॉफी आप पी सकते हो, बट डोंट ऐड बटर बिकॉज द इंटेंशन इज टू ऐड गुड फैट्स एंड घी और कोकोनट ऑयल आर गुड फैट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवानी, उन्होंने कहा है कि शी हैज बॉट मेथी सीड्स आटा फ्रॉम पतंजलि बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, लाइक यू ईट मेथी पराठा, कैन यू गिव द रेसिपी फॉर मेथी पराठा? फॉर श्योर, अगर मैं आगे बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, बट मेथी पराठा इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। आप बस नॉर्मल रेगुलर अपना आटा लो, उसके अंदर आप हैंडफुल ऑफ कटे हुए मेथी लो। मैं जनरली आटा अगर 1 कप लेती हूँ तो मेथी को भी 1 ही कप लेती हूँ, एंड अगर चाहो तो आप उसमें अनियंस वगैरह डाल सकते हो, बट आई यूजली पुट मेथी, सम अजवाइन, सॉल्ट, थोड़ा ऑयल भी डालती हूँ मोयान के लिए, क्या कहते हैं मोयाम जो भी हो वो चीज़, और बस हल्दी और फिर थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डालती हूँ या फिर कभी कभी रेड चिली पाउडर डालती हूँ, डाल के आई जस्ट नॉर्मली जो आटा गूंथते गूंथ के बस पराठे बना देती हूँ। मेथी सीड्स आटा जो होता है ना वो, उससे आप मेथी पराठा नहीं बना सकते, आप नॉर्मल आटा में उसको ऐड कर सकते हो। जैसे केरी ने रिप्लाई किया है, यू कैन ऐड इन रेगुलर आटा टू मेक रोटीज, यस यू कैन डू दैट, दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। आयरन कंटेंट आपके रोटीज का बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा मेथी का आटा आप डालो। मेथी इज नोन टू बी कड़वा, तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी, अगर बहुत ज्यादा डालोगे आप तो बहुत कड़वा हो सकता है। दैट्स दैट, एंड या क्वेश्चंस में बस यही 2-3 क्वेश्चंस थे। सो यस, दैट इज अबाउट द Q&A, और डिनर में है वेरी बेसिक, जैसे मैंने बोला था आपको, ये है दाल और चावल। मैंने चावल कम लिया है और दाल थोड़ा ज्यादा लिया है, इट्स बेसिक रेगुलर तुअर दाल, बट उसके अंदर मैंने पालक और फिर मेथी के जो पत्ते होते हैं वो भी डाले हैं। आई वॉन्टेड टू प्लेन दाल ओनली, बट देन मुझे याद आया कि मैंने आज वेजीज बहुत ज्यादा लिए नहीं, बिकॉज सुबह उत्तपम में भी हमने सिर्फ अनियंस डाले थे, एंड देन दाल ढोकली जब बनाया उसमें भी सिर्फ अनियंस डाले थे, तो आई डिडंट रियली टेक अ लॉट ऑफ वेजेस। तो ये बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी माइंड
माइंडफुल. माइंडफुल एज इन आपको ध्यान रखना होता है कि आप हर रोज यू नो थोड़े गुड अमाउंट ऑफ वेजीज ले, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हर एक मील में वेजीज हो ही हो, ऐसे यू नो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. बट इन द एंटायर डे मेक श्योर यू फिनिश द कोटा ऑफ योर वेजीज. इसीलिए पालक और मेथी डाला है बिकॉज ग्रीन्स आर ऑलवेज ग्रेट. सो हमेशा पालक और फिर मेथी अपने फ्रिज में फ्रीजर में रखे रहना. मैं हमेशा ऑलवेज आई मेक श्योर देयर इज ईदर पालक और मेथी, दोनों तो कोशिश करती हूँ बट एटलीस्ट पालक और मेथी वन चीज मेरे फ्रीजर में हमेशा होता है, ताकि जब भी मुझे कोई एक क्विक सा बनाना हो वेजीज डाल के तो बस पालक या फिर मेथी निकाल के मैं डालूं और बनाऊं. एंड ऑफ कोर्स यू नो हाउ मच आई लव दाल चावल, इट्स गोइंग टू बी टेस्टी. इट्स टू हॉट फॉर अ टेस्ट टेस्ट नाउ, सो मैं टेस्ट टेस्ट नहीं करूंगी, बट दैट्स गोइंग टू बी माय डिनर. छोटा सा मतलब मीडियम सा बोल है जो मैं हमेशा लेती हूँ, बस उतना ही है. राइस काफी कम है, दाल थोड़ा ज्यादा है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है तो पता है आपको लाइक करना है इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो. ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना. मैं आपसे मिलूंगी कल. एंड टुमारो इज संडे, सो आई एम गोइंग टू मेक समथिंग नाइस फॉर ब्रेकफास्ट. आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट येट, बट बनाऊंगी जरूर. ऐसे ही खुद को यू नो खुश रखना पड़ता है, मोटिवेटेड रखना पड़ता है वेट लॉस के टाइम पे, कि ब्रेकफास्ट में अच्छा खाने को मिलेगा, वो करने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा, चाय पीने को मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट. आई विल सी यू सून. तब तक आप अपना ख्याल रखो और नीचे कॉमेंट्स में अपने क्वेश्चन एज यूजल लिखो. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आंसर करूँ. एंड टोटल्स.